चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन और इमेज का पोजीशन, साइज, नेचर अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये टेन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड में देखा जाए तो एक दो क्वेश्चन आता ही है। या तो पोजीशन ऑफ इमेज पूछ दिया, नेचर ऑफ इमेज पूछ दिया, साइज ऑफ इमेज पूछ दिया, और विदाउट कैलकुलेशन इन सब सारी चीजों को फाइंड कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बोर्ड में स्टूडेंट के पास जब वो पेपर को सोल्व कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा टाइम को मेंटेन करना होता है, और उस टाइम मेंटेन करने के दौरान, उस प्रेशर के दौरान, सही एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाने के दौरान हम वहां पे नेचर, साइज और पोजीशन लिखने में हम मिस्टेक कर लेते हैं। तो इसे किस तरह से सोल्व किया जाए, तो आइए इसे हम ठीक फुल्ली सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि नेचर ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ इमेज जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो इसके लिए एक फैक्टर हमारा ये भी होता है कि हम उसे मिरर में फाइंड कर रहे हैं या लेंस में फाइंड कर रहे हैं। पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर, हमें किन चीजों पर ध्यान देना है कि वहां पे जो भी केसेज दिया गया है वो केसेज रिलेटेड टू मिरर है या रिलेटेड टू लेंस। फर्स्ट फैक्टर क्लियर हो गया। अब वहां पे जब हम कंफर्म हो जाते हैं कि केस जो हमारा है वो रिलेटेड टू मिरर है या रिलेटेड टू द लेंस है, तब हमें सेकेंड फैक्टर पे क्या केयर करना है कि वहां पे यदि मिरर है तो कौन सा नेचर का मिरर, विच टाइप्स ऑफ मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, और यदि लेंस है तो हाँ विच टाइप्स ऑफ लेंसेज, यानी कि सबसे पहले नेचर ऑफ लेंस देखना। सेकेंड केस जो हमारे यहां से क्लियर हो जाता है, तब वहां से अब हम क्या करेंगे कि ध्यान देना है अब हमें इमेज के नेचर पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू जो वहां पे मिरर रहेगा या लेंस रहेगा उसके फोकल लेंथ वगैरह के रिलेटेड करके हो सकता है दिया हुआ रहता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, या ट्रिक यूज करेंगे। पहले हम एक ट्रिक देख लेते हैं और बाद में देखते हैं कि वो ट्रिक कहां फॉलो होगा, ताकि हम सारी चीजों को क्या कर सके, आसान वे में उसे इंप्रूव करके, डायरेक्टली करके, टाइम को सेव करके उसे हम शूट करके आराम से लिख दे सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक ग्राफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ग्राफ का यूज करेंगे। और ग्राफ में तो मुझे सारे लोगों को, जो भी रिलेटेड स्टूडेंट आप लोग टेंथ से हैं तो आप लोग को पता होगा कि ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है, ग्राफ का एक्सिस क्या होता है, एक्सिस को डिनोट कैसे करते हैं, सारी चीजों को करना है। अब ग्राफ में हमें क्या करना है कि ग्राफ में हमें किस एक्सिस पे मेनली रूप से केयर करना है। तो मेनली रूप से जो वहां से हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट मींस यहां से x x डैश एक्सिस को मुझे देखना है। किस एक्सिस को देखना है, x x डैश एक्सिस को। अब इस एक्सिस के साथ हम क्या रिलेशन फाइंड करेंगे, ये एक्सिस मुझे हेल्प कैसे करेगा, एकदम सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप क्या करो कि एक तरफ आप ऑब्जेक्ट को ले लो, चलिए ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, वो पॉइंट। अब इधर हम किसको ले लिए, ऑब्जेक्ट को ले लिए। इधर जितना भी पोजीशन होगा सारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, ऐसा हम लोग को मान लेना है। क्या कर लेना है, इधर का जितना भी पोजीशन होगा सारा पोजीशन किससे होगा, रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। एंड एक्स डैश ओ या ओ एक्स डैश जो एक्सिस होगा, इधर हम जो भी पोजीशन बनाएंगे ये सारे के सारे पोजीशन रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। अब केयर क्या करना है, इसके बाद हमें क्या केयर करना है, इसके बाद हमें देखना है कि कितना ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए कितना केसेज क्रिएट हो सकता है, ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए कितना केसेज क्रिएट हो सकता है, कितना केसेज दिया जा सकता है। तो सबसे पहला चीज, फर्स्ट केसेज, सारे केसेज को हम लोग देख सकते हैं। यहां से अगर जो हम पोजीशन टू ऑब्जेक्ट देखें, और यहां से इसके सेकेंड पार्ट में लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। फर्स्ट केस हमारा क्या क्रिएट हो सकता है, तो फर्स्ट केस हमारा आ सकता है इंफिनिटी पॉइंट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो, ऑब्जेक्ट का पोजीशन इंफिनिटी पे हो, फर्स्ट केस हो सकता है, दिया हुआ रहता है, हमारे बुक में आता है, हमारे सिलेबस में आता है, इसी से हम लोग सारे कुछ। सेकेंड केस हमारा हो सकता है बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर, सेकेंड केसेज ऑब्जेक्ट का। थर्ड केसेज हमारा दिया हुआ रह सकता है
ऑन द सेंटर। फोर्थ केसेज हमारा दिया हुआ रह सकता है बिटवीन द सेंटर एंड फोकल लेंथ। फिफ्थ केसेज हमारा हो सकता है ऑन द फोकस एंड सिक्स्थ केसेज हमारा हो सकता है बिटवीन द फोकस एंड पोल या लेंथ रह गया तो ऑप्टिक्स सेंटर। अब वो सारे केसेज को इतना जो भी छह केसेज यहां पर आया है सिक्स केसेज आया है सारे केसेज को आप ऑब्जेक्ट पोजीशन में डिटरमाइन कर लेंगे डिनोट कर लेंगे ठीक है पोजीशन को बना लेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया इन्फिनिटिव केस हो इन्फिनिटिव पोजीशन हो गया ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया ये हमारा फोकल पॉइंट। अब देखो पहला चीज स्टार्ट अब इधर से या इधर से कहीं से एक तरह का स्टार्ट करो। फर्स्ट पे बात मतलब मान लेते हैं कि इन्फिनिटिव को हम क्या मानते हैं यहाँ से केस वन मानते हैं केस वन मतलब पोजिशन वन किसका पोजीशन ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसका पोजीशन ऑब्जेक्ट का पोजीशन। मान लिए कि एक पोजीशन हमारा हो गया इन्फिनिटिव सेकंड पोजीशन हमारा क्या होगा द बिटवीन द इन्फिनिटिव एंड सेंटर ये हमारा सेकंड पोजीशन हो गया। थर्ड पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा सेंटर थर्ड पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा सेंटर। फोर्थ पोजीशन हमारा क्या हो रहा है यहां से तो सेंटर और फोकल लेंथ के बीच यानी बिटवीन द सेंटर एंड फोकल लेंथ। फिफ्थ पोजीशन हमारा क्या हो गया फोकस हो गया एंड सिक्स्थ पोजीशन हमारा क्या हो गया बिटवीन द ऑप्टिक सेंटर एंड। अब क्या करना है तो जितना पोजीशन यहां पे क्रिएट किए हैं एक्सिस पे डिनोट किए हैं ये सारे पोजीशन को छह केसेज इधर ही बना लेना है छह पोजीशन इधर ही बना लेना है। अभी रिलेशन के बारे में नहीं बता रहे हैं अभी सिर्फ आप लोग को मैं पोजीशन को कैसे फिक्स करोगे पोजीशन को एक्सिस पे कैसे डिनोट करोगे इस चीज को क्लियर करना है। अभी रिलेशन पे आप लोगों को अपना माइंड ले जाना नहीं अब यहां से भी छह केस है तो अब इसमें केस कहां से स्टार्ट करेंगे इसमें पोजीशन कहां से स्टार्ट करेंगे इसमें जो पोजीशन स्टार्ट करना है इधर से हम लोग चल रहे हैं यहां से राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं क्लियर इसमें पोजीशन हम इधर से स्टार्ट करते चल रहे हैं। चलिए पहले फोकल लेंथ का एक पोजीशन दे देते हैं एक सेंटर का दे देते हैं और एक इन्फिनिटी का कोई दिक्कत फर्स्ट पोजीशन यहां से आ गया हमारा फोकल लेंथ मान लिए सेकेंड पोजीशन हमारा हो गया था कि यहाँ पे फोकल और ऑप्टिक के बीच में ऑब्जेक्ट को माने थे इमेज के लिए नहीं मानेंगे एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग को क्लियर करना है। सेकेंड पोजीशन हमारा हो जाएगा सेंटर और फोकस के बीच में थर्ड पोजीशन हमारा हो गया सेंटर पे फोर्थ पोजीशन हो गया सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में और फिफ्थ पोजीशन हमारा हो गया। अब कहेंगे सर कैसे यहाँ पर आप सिक्स लिए और यहाँ पे इमेज में पोजीशन कितने दे रहे हैं फाइव दे रहे हैं यहां से एक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया यहां से आपको क्या मिल रहा है एक सॉल्यूशन मिल रहा है क्या कि अब जो भी रियल पोजीशन है सारा फुलफिल हो चुका है दैट मींस अब जो भी केस आएगा वो केस क्या होगा रिलेटेड टू द वर्चुअल पोजिशन रिलेटेड टू द क्या होगा वर्चुअल पोजिशन। अब क्या करना है कि जो भी यहां पे पोजीशन हम क्रिएट किए हैं जो भी पोजीशन यहां पे हम क्या किए हैं क्रिएट किए हैं वो सारे पोजीशन को इस पोजीशन वन को वन के साथ टू को टू के साथ थ्री को थ्री के साथ फोर के साथ फाइव को फाइव के साथ और सिक्स को सिक्स के साथ सिक्स में क्या बताए थे सिक्स में बताए थे कि हमारा जो भी रियल पोजीशन है इमेज से रिलेटेड वो सारा फुलफिल हो चुका है तो अब रियल नहीं तो क्या क्या केस बनता है वर्चुअल किसका केस बनता है वर्चुअल का यानी सिक्स पोजीशन हमारा क्या हो गया वर्चुअल हो गया। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका सॉल्व हो गया प्रॉब्लम टेंशन नहीं लेना है। अब देखो फर्स्ट पोजीशन यहाँ इन्फिनिटी है तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन हमारा क्या हो गया ऑन द फोकस यहाँ से इमेज का जो फर्स्ट पोजीशन जो हमारा आया वो क्या हो गया फोकस पे हो गया यह पे हो गया पहला चीज। अब देखो अब बताता हूं ये ट्रिक कहां काम करेगा मिरर में आपका कनकेव लेंस में आपका कन्वेक्स क्योंकि पांच छह केसेस जो होता है इमेज रिलेटेड ये ज्यादा करके कनकेव और कन्वेक्स मिरर में कनकेव और लेंस में कन्वेक्स ये ही ज्यादा डिस्टर्ब करता है क्योंकि यहाँ कन्वेक्स मिरर की बात करें या कॉनकेव लेंस की बात करें ये तो दो से तीन पोजीशन को क्रिएट करता है तो इसे याद रख पाना हम लोग को ज्यादा मुश्किल
नहीं है। मुश्किल कहाँ है, जहाँ पे वेरिएशन क्रिएट होता है, और उसी वेरिएशन के लिए यहाँ पे क्या किए हैं, उन सारे टर्म्स को क्रिएट किए। यहाँ पे क्या हो गया कि फर्स्ट हमारा इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव से, तो इमेज में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है फोकस, यानी कि ऑब्जेक्ट यदि रह गया हमारा इंफिनिटिव पे तो इमेज क्या हो गया फोकस, पोजीशन क्रिएट हो रहा है, आसान से क्लियर हो रहा है। सेकंड नाउ, सेकंड में देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, बिटवीन इंफिनिटिव एंड सेंटर, यहाँ सेकंड केस क्या है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, यानी सेकंड केस जो हो गया यहाँ पर इमेज पोजीशन ये हो गया बिटवीन सेंटर एंड थर्ड सेंटर, इधर भी थर्ड सेंटर, चल इधर भी थर्ड सेंटर, इधर भी थर्ड सेंटर, ठीक है, इधर फोर्थ सेंटर एंड फोकस के बीच, इधर फोर्थ में हमारा क्या आ रहा है सेंटर और इंटिटिव के बीच, ग्राफ समझ में आ रहा है सबको, इधर क्या हो गया सेंटर और इंटिटिव के बीच, यानी कि इधर जो हमारा फोर्थ हो गया सेंटर, फिफ्थ ऑन द फोकस, फिफ्थ ऑन द फोकस, इधर फिफ्थ में क्या है इंफिनिटिव, फिफ्थ में हमारा क्या हो गया इमेज पोजीशन हमारा क्या हो गया इंफिनिटिव, यानी ऑब्जेक्ट रह गया यदि हमारा फोकस इंफिनिटिव, सॉरी यहां पे क्या था फोकस पे, तो इमेज कहां चला गया इंफिनिटिव चला गया। अब क्या बताए थे सिक्स पोजीशन, क्या बताए थे सिक्स पोजीशन में, बताए थे कि एक केस ऐसा ही बनता है किसमें, कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स लेंस में, कि इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल इन मिरर, और उसी को हम लेंस के लैंग्वेज में कि इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस देन व्हाट विल द पोजीशन ऑफ इमेज, फर्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज। तो अभी क्या बताए थे इससे पहले कि यहाँ पे जो भी रियल पोजीशन है फुलफिल कर लिए ग्राफ में, रियल नहीं तो वर्चुअल के तो चांसेज है, वर्चुअल की चांसेज है ना, तो यहाँ पे जो हो गया वो हमारा क्या हो गया वर्चुअल हो गया, और यहाँ पे अगर मिरर रह गया तो मिरर में तो आपको वर्चुअल पता है बैकवर्ड द मिरर होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, और लेंस हो गया इन फ्रंट ऑफ लेंस, क्लियर हो गया पोजीशन रिलेटेड पॉइंट, क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आगे चलिए हमारा पोजीशन क्लियर हो गया, एक चीज हमारा क्या हो जाता है यहाँ से चलिए पोजीशन क्लियर हो गया, सेकेंड साइज आ जाओ, नेचर भी देखो यहाँ से क्लियर हो गया, टाइम इस पे एक्सपेंड नहीं करना है, नेचर अभी तक यहाँ से ये जो पांचों केसेस था ये सारा रियल पोजीशन था, तो रियल पोजीशन मतलब दैट मींस यहाँ से जो इमेज बन रहा होगा रियल पोजीशन, दैट मींस ये रियल इंटरसेक्शन के थ्रू बन रहा होगा इमेज, और रियल इंटरसेक्शन के थ्रू जो इमेज आता है वो दैट इमेज ही आर कॉल्ड रियल इमेज, दैट इमेज आर कॉल्ड रियल इमेजेस नो, तो यहाँ पे जो भी ये रियल पोजीशन रिलेटेड इमेज आया ये सारा का जो नेचर हो गया वो क्लियर, एक केस बच गया था वर्चुअल में कि सारा रियल पोजीशन फुलफिल हो चुका था इसलिए ये इमेज आ गया हमारा, एक केस, किस केस में, जब फोकस और सेंटर के बीच में रहा, चलिए दोनों चीज क्लियर हो गया यहाँ से। अब यहाँ से आ जाता है साइज, साइज क्या होगा, पोजीशन तो क्लियर हो गया, नेचर तो क्लियर हो गया, अब साइज, साइज देखो सबसे पहला चीज, अब इंफिनिटिव पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे, इंफिनिटिव पे क्या है, थिंक करो इमेजिन करो सन, सन का साइज क्या है और उसका इमेज फोकस पे बना रहे हैं एट अ पॉइंट साइज, दैट मींस वहां पे जो साइज हो गया इमेज का वो इमेज का साइज फर्स्ट वाला में क्या हो जाएगा तो पॉइंट साइज हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब यहां से धीरे धीरे हम फोकस की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट मींस यहां से धीरे धीरे फोकस की तरफ बढ़ रहे हैं, जितना नियर बढ़ते जाएंगे साइज ऑफ इमेज को इंक्रीज करते जाएंगे, अकॉर्डिंग टू माय ट्रिक आप लोग क्या करना है साइज ऑफ इमेज को इंक्रीज करते चला जाना है। अब क्या होगा यहाँ पे जी, तो ये साइज स्मॉलेस्ट नहीं, यहाँ पे जो साइज होगा सेकंड केस में इसको आप स्मॉल कर दो। अब देखो आ गया किस पे, सी पे पोजीशन भी सी, ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी सी, इमेज का पोजीशन भी सी, सी सी डिस्टेंस इक्वल, डिस्टेंस इक्वल। अब आप मैग्निफिकेशन वाला दिमाग लगाओ, मैग्निफिकेशन वाला दिमाग लगाओ, वहां से क्या होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल आ रहा है, दैट मींस साइज क्या होगा
इक्वल होगा, यानी कि डेट मींस यहां पे इक्वल पोजीशन तो साइज भी इक्वल। अभी तक स्मॉलेस्ट और स्मॉलर का इक्वल आया, अब इक्वल से आगे बढ़ेंगे, डेट मींस अब यहां से लार्ज और लार्जेस्ट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? क्या शुरू हो जाएगा? लार्ज और लार्जेस्ट होना शुरू हो जाएगा। अब यहां पे फोर्थ पोजीशन में यहां पे लार्ज हो गया, फिफ्थ पोजीशन में लार्जेस्ट हो गया, और ये तो वर्चुअल है, ये भी लार्ज ही होगा। क्लियर? दूसरा चीज, अभी तक ये जो भी सारा था रियल था, इसलिए इन्वर्टेड होगा। इमेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। एक नेचर और क्लियर हो गया। और यहां से आगे देखते हैं, ये बेचारा वर्चुअल है तो ये तो इरेट ही होगा। क्लियर? सारा कुछ क्लियर हो गया? एक बार आप देख लो। अब कोई भी क्वेश्चन लेके लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल्स ले लेते हैं कि इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस बिटवीन देयर फोकस एंड सेंटर, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा? सेंटर और इंफिनिटी। नेचर क्या होगा? रियल। साइज क्या होगा? लार्ज। इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड? तो रियल है तो इन्वर्टेड। क्लियर? फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।